आज हम बहुत ही हेल्दी, सरल और जल्दी से बन जाए ऐसी एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाएंगे। सुबह के नाश्ते के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। विटामिन से भरपूर और हेल्दी एक हांडवा बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आधा कप सूजी लिया है, एक बाउल में डालेंगे। आधा कप हांडवे का आटा है, ये कोई भी जनरल स्टोर में मिल जाएगा। 1/4 कप ओट्स को मिक्सी में क्रश करके लिया है। 1 टेबलस्पून जवारी का आटा, 2 टेबलस्पून रागी का आटा, इसे नाचने का आटा भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा, सब मिक्स कर लेंगे। इसमें 3/4 कप खट्टा दही डालेंगे, 1.5 टेबलस्पून गुड़ को ग्रेट करके लिया है। मसाला डालेंगे 1/2 टेबलस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून हींग, ये सब अंदर डाल देंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, मैंने 2 टीस्पून लिया है। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बनाएंगे। सुबह में अगर बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाना है या नाश्ते के लिए इसे बनाना है तो रात को सारा आटा मिक्स करके रखना है और सुबह में सब मसाला डाल के और वेजिटेबल मिक्स करके जल्दी से बना सकते हैं। 3/4 कप पानी डाल के बैटर बना लिया है। ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे। 15 मिनट रेस्ट दिया है। इसमें हम वेजिटेबल मिक्स करेंगे। 200 ग्राम लौकी को ग्रेट करके लिया है। आधा कप बॉइल्ड मटर, आधा कप बॉइल्ड कॉर्न, गाजर डालना चाहो तो एक मीडियम गाजर ग्रेट करके डालनी है, सब मिक्स कर लेंगे। टेबलस्पून सेमी क्रश मूंगफली, 1 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून पानी डाला है। बैटर को टेस्ट करके देख लेना है। नमक और तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। बघार करेंगे। 3 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे, 1 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन। गैस की फ्लेम लो कर लेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग। फ्लेम ऑफ कर देंगे। 5-6 करी पत्ता, 1 टेबलस्पून तिल, 1/2 की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। बैटर में 1.5 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून पानी, मिक्स कर लेंगे। तुरंत ही हमें बघार के अंदर डाल देना है। गैस हमने ऑन कर दिया है।
गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। बघार को थोड़ा इस तरह से ऊपर ले लेंगे। ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे कुक करेंगे। नीचे से लाइट ब्राउन हो जाए तब तक कुक करना है। 10 मिनट लो फ्लेम पे कुक कर लिया है, अभी टर्न कर लेंगे। मैंने एक डिश लिया है, इसे तेल से ग्रीस कर लिया है। ये ऊपर उल्टा रखेंगे। इस तरह से टर्न करेंगे। पैन में 1 से 2 टीस्पून तेल डालेंगे। इस तरह से अंदर डाल देंगे। ढक्कन लगा के दूसरी साइड पे कुक करेंगे। 7 मिनट तक इसे कुक कर लिया है। एक टूथपिक डाल के देख लेंगे कुक हो गया है कि नहीं। टूथपिक क्लीन निकली है। हांडवा रेडी है। गैस ऑफ करेंगे। इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं।